नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। सबसे पहले सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, और दूसरी बात आपको बता दिया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जिसका फॉर्म सही सही भरा गया है उसको अब क्या करना है। जी हाँ, चलिए आपका क्वेश्चन जो है मैं इसको हल कर दूँ कि अगर आपका फॉर्म सही सही भर दिए गए हैं, अगर आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया है, अगर आपने जैसे कि मान के चलिए ऑनलाइन आवेदन करने वक्त ही अगर आपने सही भरा है तो आपको सुधार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सुधार करने वक्त अगर आपने सारा फॉर्म सही सही फ्लिप कर लिया है और सबमिट पर क्लिक कर दिया है तो बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका सफलतापूर्वक जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा तो उसमें सारा डिटेल आपका सही हो जाएगा, मतलब सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन था ये हल हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ जितने भी छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका सवाल ये है, कुछ स्टूडेंट का सवाल यह है कि सर मेरा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था, क्या मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ, जैसे कि स्टूडेंट ने सवाल किया है कि सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें नाम मेरा नहीं आया है, तो क्या फाइनल मेरिट लिस्ट में, सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम शो होगा कि नहीं होगा। तो चलिए आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए कि सबसे पहले मुद्दा तो यह है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया है। चलिए इसके विषय में सबसे पहले बताते हैं आपको। जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपका किसी भी कारणवश आपका सबमिट करने का ऑप्शन जो होता है लास्ट में, जब आपने सारा कुछ फिल किया होगा तो आपने सबमिट करने का ऑप्शन जो है नहीं दबाया होगा, या किसी कारणवश आपका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा। तो आपको बता दिया जाए कि जब आपका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल नहीं होता है तभी आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। ठीक है, जब आपने किसी भी साइबर कैप पे या आपने खुद से अगर ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपका सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन सही से कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जारी नाम नहीं हुआ है, मतलब शो नहीं हुआ है। अब जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम शो नहीं हुआ है तो अब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम शो नहीं होगा। ये बड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे सर मेरा जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम शो नहीं हुआ है तो सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम शो होगा कि नहीं होगा। जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम शो नहीं हुआ है तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम शो नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो सफलतापूर्वक सक्सेस जो होता है नहीं हुआ है। ठीक है ना, मतलब सफलतापूर्वक नहीं हुआ है आपका, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम शो नहीं होगा। जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम शो नहीं हुआ है तो नहीं होगा। इस विषय से आपका जो क्वेश्चन था ये वीडियो में आपका क्वेश्चन हल हो गया होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम शो नहीं हुआ है तो क्या सेकंड में हो जाएगा। नहीं होगा दोस्तों, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। आप लोग अगर हो जाता है तो फिर तो ठीक है, जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर वो कर देते हैं आपका मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम, तो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत समझ लीजिए एक तरफ से बड़ी बात है, लेकिन ये नामुमकिन है, आप लोगों का नहीं हो पाएगा। जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम शो नहीं हुआ है उनका सेकंड में नहीं होगा। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर जिनका फर्स्ट में शो हुआ है क्या सेकंड में शो होगा। बिल्कुल होगा, जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में शो हुआ है नाम तो सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम शो हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो इनका ये सवाल था कि सर मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है, सेकंड में आएगा, फाइनल में आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल ही आएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन हल हो गया होगा, ये जो आपने जो क्वेश्चन किया था मुझसे कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों का ये मतलब क्वेश्चन हल हो गया होगा, दुआ करता हूँ। चलिए अब आगे की इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कुछ स्टूडेंट सवाल ये कर रहे हैं कि सर जो हमारा कॉलेज में नामांकन है कब होगा। देखिए, कॉलेज में नामांकन का 15 नवंबर के बाद डेट जारी किया जाएगा, अभी कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अब कुछ स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि सर मेरा जो मतलब कि अभी तो इलेक्शन चल रहा है तो हम कॉलेज में कैसे जाएँ। दोस्तों आप लोगों को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सुधार का जो डेट है मात्र 3 से 4 दिन है। तो आप लोगों अगर जैसे कि आपका ऑनलाइन सुधार हो गया है कंप्लीट तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अगर ऑनलाइन सुधार नहीं हुआ है तो आपका जैसे किसी कारणवश अगर आपका जन्म तिथि हो गया, नेम हो गया, किसी भी कारण और सीयर्स हो गया, किसी भी कुछ भी अगर सुधार करना है, अगर ऑनलाइन में नहीं सुधार हो रहा है तो आपको ऑफलाइन कॉलेज के माध्यम से ही सुधार करवाना होगा। तो आप अपने कॉलेज जाएँ, वहाँ देखें और वहाँ बातचीत करें, पहले जाइए वहाँ पर देखिए, बातचीत करिए। अब यहाँ पर यह आता है कि कह रहे हैं कि सर मेरा तो किस कॉलेज में जाना है मुझे तो ये मालूम ही नहीं है। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि जिस भी आपने ऑनलाइन आवेदन करने वक्त जब आपने किसी भी प्रेफरेंस में आपने कौन से कॉलेज में नाम डाला था, मतलब कौन से प्रेफरेंस में कॉलेज का नाम डाला था, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में, तो दोस्तों आप उसमें से समझ लीजिए जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुआ था तो आपने किस प्रेफरेंस में
अपना 9 देखा था, मतलब 1 में देखा था कि 2 में। अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर मेरा तो 10 में शो हो रहा है तो मैं क्या करूँ। देखिए अगर आपका 10 में शो हो रहा है, 10 में शो हो रहा है तो कोई बात नहीं, जिस कॉलेज का नाम डाला था आप उसी कॉलेज में जाएँ, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, उसी कॉलेज में जाएँ आप और वहाँ पर पूछताछ करें, बातचीत करें, संपर्क करें और वहाँ से बताएं वहाँ पर अपनी जो भी समस्या है एप्लीकेशन लिख के द्वारा। देखिए मुंह से मत बोलिएगा क्योंकि अगर कोई आप मुंह से बोलेंगे उसको, किसी भी अधिकारी को वहाँ पर, कॉलेज के अधिकारी को, तो वो आपकी बातें नहीं सुनेगा। एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा कि मेरे को ये समस्या है, अगर आपका कोई भी समस्या हो जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी सुधार करवाना हो तो अपनी एप्लीकेशन में एक लिख लीजिएगा, उसको एप्लीकेशन पकड़ा दीजिएगा। तो ज़्यादातर जो अधिकारी होते हैं एप्लीकेशन के द्वारा वो समझ जाते हैं कि हाँ इनको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप मुँह से बोलिएगा, अपनी बातें करिएगा, अपनी बातें रखिए तो उनको क्या होता है, डिस्टर्बिंग ज्यादा फील करते हैं, मतलब कि जो अधिकारी होते हैं थोड़ा, मतलब जैसे कि कोई अधिकारी होते हैं जो आपकी बातें समझ लेते हैं लेकिन जो कोई अधिकारी होते हैं कि जबानी भाषा नहीं समझते, तो एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा तो उनको अच्छी तरह से कंप्लीट समझ में आ जाएगा और वो काम भी कर देंगे आपका। तो प्लीज यार इस बात को समझें और जल्दी जाएं, टाइम ना वेट करें, मतलब अगर वेट करिएगा आप, इंतजार करिएगा घर पर ही रह के, तो ऐसे में क्या होगा आपका टाइम निकल जाएगा सुधार का, तो फिर आप सुधार नहीं करवा सकते, फिर जो भी होगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में वही नाम आ जाएगा, मतलब जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन करने वक्त दिया था वही सब कुछ आ जाएगा फिर बाद में, तो बाद में आपका किसी भी कारणवश सुधार नहीं हो पाएगा। तो इस बात को समझिए और बाद में कोई भी मतलब आपको फिर फील ना हो यार, बाद में ऐसा कहेंगे कि यार सुधार तो हुआ था लेकिन डेट इसका ख़त्म हो गया, तो इससे पहले आप लोगों को सूचित किया जाता है, फटाफट जाइए क्योंकि ये 4 नवंबर तक अवेलेबल है, ठीक है। स्टूडेंट बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसका लास्ट डेट कब तक है, तो देखिए सुधार का जो डेट होता है ना मात्र 4 से 5 ही दिन होता है, तो आपको इसी 4 से 5 दिन में आप लोगों को करवाना होता है सुधार, तो आप समझ लीजिए इसका 4 नवंबर तक डेट है, आप जाइए करवाइए और इसके बाद अगर 4 नवंबर निकल गया तो फिर बाद में मत कहिएगा, क्योंकि ये सुधार का जब ऑनलाइन डेट ख़त्म हो जाएगा तो ऑफलाइन भी बंद कर देंगे, क्योंकि जब वेबसाइट बंद कर देंगे आपका सुधार का तो वो भी फिर बंद कर देंगे, फिर आपका सुधार नहीं हो पाएगा किसी कारणवश। ये इस बात को समझिए और जाइए जल्दी पता करिए, और भी किसी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, हर जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, और किसी भी तरह का कोई भी अगर न्यूज़र है तो सब्सक्राइब